Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, फिर से मेरी अदालत में पेशी है। निकलने से पहले वो बातें करना था। सबसे पहले आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी। एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो जिसने 2 दफा मुझे खत्म करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं करवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती है, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम ही दे सकें। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की GIG, 2 पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था, उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की। हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर, DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब ये जो